हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स लैंड पे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड टी20 का दोस्तों ये पांचवा मुकाबला खेला जा रहा है सिम्बंग वर्सेस के रांची रेडर्स के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि इस मैच के अंदर दोस्तों ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो कि आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देने वाला, साथ ही कौन सा प्लेयर इस मैच आपके टीम में होने चाहिए, किसको अपनी टीम से आपने ड्रॉप करना है, सारा कुछ आपको काफ़ी डीपली मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताने वाला ग्रैंडली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पिक जो कि इस मैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है। और जैसे कि हमने लास्ट मैच के प्रिडिक्शन किया था और आप सभी के ग्रैंडली की टिप्स भी मैंने बताया थे, वहाँ पे गाइस 100% सारे प्रिडिक्शन थे सही गए हैं। और जिन भाइयों ने हमारे ग्रैंडली की टिप्स को फॉलो किया उन्होंने काफ़ी चीज अर्निंग भी की है। तो गाइस जिस वीडियो में भी आप सभी के लिए मैं ग्रैंडली की कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर आ चुका हूँ जिससे आप इसमें काफ़ी चीज अर्निंग कर पाओगे। तो गाइस बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं स्टैट्स की तरफ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैच का इन्फो आप सभी को पता चल ही चुका है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट, आप सभी का मैंने पहले ही बता रखा है, एवरेज स्कोर भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये बार बार रिपीट करने से दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा ले लूँगा। इससे पहले आपको बात कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे दोनों टीम की कंपैरिजन की। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं मैं कि जब अभी तक स्टार्टिंग के एक मैच दोनों टीम ने खेले, यहाँ पे गाइस सिम्बा की टीम ने एक मैच लॉस किया, वहीं गाइस रांची की टीम ने अपना पहला मुकाबला जो लॉस किया, मीन्स की दोनों टीम ने अपने पहले एक एक मुकाबले खेले और दोनों ही लॉस किया है। और गाइस अगर बात कीजिए हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोस्तों दो बार आमने सामने आई थी लास्ट सीजन दोनों ही टीम अगर मैचेस खेली थी, तो वहाँ पर गाइस बात करें तो रांची की टीम ने दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो मैच खेला था गाइस वहाँ पे पहले आपने बैटिंग किया था 119 रन बनाया था 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं गाइस यहाँ पे बात करें सिम्बा जो है की टीम ने, तो दोस्तों यहाँ पर इसने 123 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर इसने 7 विकेट से मैच विन कर लिया था। वहीं गाइस आगे बात करें यहाँ पर सिम्बा की टीम ने दोस्तों पहले बैटिंग किया था तो केवल 96 रन बनाया था दोस्तों 9 विकेट के नुकसान पर, उसका यहाँ पे दोस्तों चेस कर लिया था यहाँ पे रांची की टीम ने केवल 4 विकेट के नुकसान पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक बार दोनों टीम यहाँ पे मैच विन किए जब भी आमने सामने दोनों टीम जो लास्ट सीजन में खेल रही थी गेम। तो बाकी दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस मैच के लिए हमारी फेवरेट टीम रहेगी रांची की। तो यहाँ पे गाइस आप फेवर करना कि 6 से 7 प्लेयर रखना चाहते हो, 7 प्लेयर दोस्तों कम ही रखना, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन ज्यादा ट्राई करना जो कि आप सभी के लिए काफी अच्छा पिक होने वाला है। बाकी गाइस आगे आपको बता दूं अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि गाइस आगे से आप लोग हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल टीम जो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं और इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, बैटिंग ऑर्डर प्लस गाइस बॉलिंग के लिए कौन कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, प्लस ग्रैंडलिंग में आपको किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सिम्बा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि लास्ट मैच में बताया था, सबसे पहले दोस्तों जो है कुमार करण के बारे में कि गाइस ये प्लेयर जो ग्रैंडली के लिए सबसे बेस्ट है और इसको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनशिप जरूर कर लेना। तो गाइस इसने देख सकते हैं आपको पहले मैच इसने 74 रन की काफ़ी शानदार जो आपको जो बैटिंग करके दिया है। तो गाइस आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रैंडली की टिप्स बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो ग्रैंडली की टिप्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो दोस्तों आप अपना ही लॉस करते हो। ग्रैंडली की टिप्स फॉलो करो और डेली दोस्तों काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर लोगे यहाँ से। तो गाइस आगे हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे विलफ्रेड बैंक की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है, यहाँ पे दोस्तों सिम्बा की टीम पहले अगर बैटिंग करती है तो गाइस यहाँ पे जरूर ट्राई करना ग्रैंडली के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो विलफ्रेड को अपनी टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टनशिप दे देना। गाइस प्लेयर बहुत ही शानदार है, हालांकि पहले मैच में केवल 14 रन बना पाया लेकिन दोस्तों इस मैच में आपको अगर ये टीम पहले बैटिंग करती तो यहाँ पे गाइस विलफ्रेड आपको काफी अच्छा स्कोर करके दे सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुमार करण तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसने पहले मैच में यहाँ पे 74 रन बनाया और यहाँ पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है टू इट स्मॉल लीग के अंदर। बाकी नेक्स्ट बात के लिए दोस्तों अमरदीप सिंह जिसने दोस्तों 3 रन केवल बनाया था, वहीं गाइस नेक्स्ट बात करते हैं सुमित कुमार का। तो गाइस यहां पे आपको बता दूं कि ग्रैंड लीग के लिए कौन मेरे लिए सबसे बेहतरीन पिक दोस्तों सुमित कुमार का। और गाइस यहां पे हो सकता है कि अगर पहले यहां पे दोस्तों 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं यहां पे इसकी टीम का तो यहां पे सुमित कुमार आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों सबसे डिफरेंशियल पिक होगा यहां पे, ये प्लेयर आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेगा जहां पे गाइस कॉम्पिटिशन में क्या होगा कि रांची रेडर्स के टीम का दोस्तों जो पंकज कुमार है उसको लोग ज्यादा लेंगे और सुमित कुमार को कम लेने वाले। इसका मेन रीजन है पहले मैच में केवल 2 रन ही इस प्लेयर ने बनाए हैं, लेकिन गाइस जहां तक फेवर करूंगा कि ग्रैंडली के अंदर आप इसको अपनी टीम में जरूर लेना है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लास्ट सीजन का टॉप स्कोरर था अपनी टीम के लिए। तो गाइस इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है और ग्रैंडली में आपके लिए कितना बेस्ट पिक बन सकता है आज के इस मैच में।
सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं अंकित कुमार ने 19 रन बनाया था और गाइस ये प्लेयर ठीक ठाक की परफॉर्मेंस आपको कर देख कर दे देगा। अगर आप लेना चाहते हो तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज इसको आप ड्रॉप करके जा सकते हो क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास काफी जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी अच्छे पिक हो जाएंगे। साथ ही नेक्स्ट टाइम पर बात करें बालकृष्ण, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों ये प्लेयर आपको बॉलिंग से जरूर विकेट निकाल कर देगा और पहले मैच इसने 4 विकेट निकाल कर दिया दोस्तों। लास्ट सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर प्लेयर था बालकृष्ण, तो इसको तो अपनी टीम से स्किप बिल्कुल भी मत ही करना। अगर चाहते हो स्मॉल लीग खेलो तो स्मॉल लीग में गाइस इसको अपनी टीम से वाइस कैप्टन शिप कर सकते हो, बहुत शानदार प्लेयर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर बैटिंग करके दे ही रहे हैं तो क्या दोस्तों हो सकता है पहले अगर बैटिंग के यहाँ पे दोस्तों देख ही सकते हैं जैसे पेसर्स को काफी हेल्प मिल रहा है पिच से तो स्टार्टिंग के 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। तो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पे बालकृष्ण बैटिंग भी आपको करके दे देगा प्लस बॉलिंग तो इसकी शानदार होती है, तो गाइस वाइस कैप्टन शिप के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे स्मॉल लीग के अंदर। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं सत्येंद्र कुमार प्रजापति, लास्ट मैच यहाँ पे खेले थे गाइस इसने 2 रन बनाया था बैटिंग करते हुए, बॉलिंग से 1 भी विकेट इसे नहीं मिला था। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं विनायक के बारे में, तो इसका भी आपको बताया था गाइस इसको ज्यादातर लोग ले रहे लेकिन गाइस आपको बताया था मैंने किसका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बॉलिंग से भी आपको कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं देगा। हालांकि ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था लास्ट सीजन में, इसने 9 विकेट निकाले थे लेकिन गाइस जिसमें मैच में आपको पहले मैच यहाँ पे परफॉर्मेंस करके नहीं देने वाला था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं अमित कुमार का, जिसने भी दोस्तों 1 विकेट नहीं निकाला था और यहाँ पे गाइस टीम चेंज कर सकती है क्या, प्रतीक को अपनी जहाँ पे जो अमित कुमार की जगह पे प्रतीक को दोस्तों अंदर ले आ सकती है प्लेइंग 11 की जगह पे, जहाँ पे गाइस बॉलिंग करते आपको नजर आ जाएगा और बॉलर दोस्तों काफी अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो दोस्तों ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में इसको ट्राई जरूर कर लेना, एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए बन जाएगा। साथ ही गाइस नेक्स्ट बात करते हैं अजय यादव ने 1 विकेट निकाला और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्यमन लाला को 1 भी विकेट नहीं मिला लेकिन गाइस इस प्लेयर को स्किप मत करना, भले दोस्तों आप चाहते हो अजय यादव को अपनी टीम से स्किप कर लेना लेकिन गाइस यहाँ पे आर्यमन लाला को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, बहुत शानदार बॉलर है दोस्तों। हालांकि पहले मैच विकेट तो नहीं मिला लेकिन इस प्लेयर का दोस्तों जो इंपॉर्टेंस है काफी अच्छा अपनी टीम के लिए और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, तो यहाँ पे गाइस मैं अपनी टीम में भी अजय आर्यमन लाला को ही लूंगा। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो ले सकते हो अजय यादव को लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, इसके जगह दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा कि आर्यमन लाला को इसको कम लोग भी लेंगे जिससे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट पिक कौन से होने वाले हैं, तो दोस्तों यहां पे सिंपल सी बात है टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर जो ओपन के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सुमित कुमार काफी अच्छे पिक रहेंगे, बालकृष्ण रहने वाले और कहीं यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट आपके लिए जो आर्यमन लाला काफी अच्छे पिक रहेंगे। तो दोस्तों ये 5 प्लेयर अपनी टीम में मैं यहां से लेने वाला हूं जो सिंहभंग की टीम की तरफ से और दोस्तों ग्रैंड लीग के जो मोस्ट पिक इंपॉर्टेंट मैंने बताया जिसमें गाइस विल्फ्रेड रहने वाले हैं, सुमित कुमार रहने वाले और गाइस यहां पे विनायक रहेंगे, तो गाइस ये 3 जो कुछ डिफरेंशियल पिक रहने वाले यहां पे ग्रैंड लीग के लिए और गाइस यहां पे आर्यमन लाला को भी जरूर ट्राई करना, काफी शानदार बॉलर है दोस्तों, तो इसको तो अपने टीम में ट्राई करना। और कुछ सेफ ऑप्शन है जो ग्रैंड लीग के लिए आपके अच्छे है दोस्तों, कुमार करण हो गए, बालकृष्ण हो गए दोस्तों, तो ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको अपनी टीम में अपने ट्राई कर लेना है। सो गाइस जब आगे बढ़ते हैं हमारी रांची रेडर्स की टीम की प्लेइंग की तरफ, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों आपको ओपन करते नजर आने वाले यहां पे आर्यमन सेन जो कि दोस्तों लास्ट मैच ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया 29 रन बनाया दोस्तों, इसके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन काफी शानदार है, तो अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करती है ना तो गाइस यहां पे आपको 140 प्लस का भी टोटल देखने को मिल सकता है। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो इसके टॉप ऑर्डर के चारों प्लेयर अपने अपने टीम में ले लेने हैं जिससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दोस्तों सेकंड इनिंग में यहां पे रांची की टीम बैटिंग करती है तो पंकज को ड्रॉप करके अपने टीम में आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, सुमित कुमार को ले सकते हैं ऊपर जो है सिंहभंग की टीम की तरफ से जो कि आपके लिए काफी बेस्ट पिक बन जाएगा। सो गाइस आगे बात करते हैं आदित्य सिंह, दोस्तों सबसे बेहतरीन पिक है और यहाँ पे कैप्टनशिप के लिए दोस्तों स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट पिक होने वाला है। पहले मैच 29 रन प्लस 1 विकेट निकाल के दिया था, वहीं गाइस आलोक शर्मा ने 36 रन बनाए थे, बॉलिंग भी करके दिया था लेकिन इसको कोई विकेट नहीं मिल पाया था। पंकज कुमार की बात करें विकेट कीपिंग करता है, लास्ट मैच 20 रन इसने बनाकर दिए थे जिसके कारण दोस्तों इसका सिलेक्शन भी काफी ज्यादा हो रखा है यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन पे। वहीं गाइस नेक्स्ट बात करते हैं सुपीरियर कहता दोस्तों टीम का कैप्टन है और इसको तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, सबसे बेहतरीन प्लेयर हो सकता है इस मैच के लिए और आपको पहले मैच में मैंने बताया था कि इसका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन गाइस प्लेयर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है तो इसको अपनी टीम से स्किप करना दोस्तों आपका ही लॉस होगा। तो इस मैच में आपको मैंने फिर से कहा है दोस्तों इसको अपनी टीम में अपने जरूर लेना है, बहुत ही शानदार पिक होने वाला है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं जो प्रेम कुमार सिंह का, तो बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए, रवि यादव दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग नहीं किया था लास्ट मैच में, मनीषी दोस्तों काफी अच्छा पिक रहेगा और ग्रैंड लीग के अंदर इस प्लेयर को जरूर ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छा पिक दोस्तों मनीषी होने लगा ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों, बॉलर बहुत ही अच्छा है
इसको अपनी टीम में तो जरूर ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षद ने भी बैटिंग बॉलिंग नहीं किया था, रौनक कुमार ने बॉलिंग किया था, 2 विकेट निकाल कर दिया था। बाकी दोस्तों यहाँ पे रोनी कुमार खेले थे लास्ट मैच, जहाँ पे इनकी बॉलिंग प्लस बैटिंग कुछ भी नहीं आ पाई थी। वहीं गाइस यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है इसको ऋषभ राज के साथ, जिसने दोस्तों बॉलिंग में अभी तक कोई विकेट नहीं निकाला है। तो गाइस ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे इस टीम की तरफ से, या फिर गाइस हो सकते हैं यहाँ पे जो आपको रवि यादव और दोस्तों हर्षद याना की जगह भी यहाँ पे कुछ नए प्लेयर उमर हो गए और दोस्तों यहाँ पे सचिन तिवारी, इनको अपने टीम में प्लेइंग लाइन में ऐड किया जा सकता है यहाँ पे रांची रेडर्स की टीम की तरफ से। तो गाइस यहाँ पे इनकी प्लेइंग लाइन का पता लग ही चुका है आपको। और दोस्तों मोस्टली इंपॉर्टेंट पिक की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप के चारों पांचों प्लेयर जो है, पांच प्लेयर दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट आप प्रेम सिंह को ले सकते हैं, काफी अच्छा पिक है। और जैसा कि आपको मैंने बोला है ग्रैंड लीग के लिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग में मनीषी सबसे बेस्ट पिक होने वाले यहाँ पे। और गाइस जैसा कि सुपीरियर तो रहते ही काफी इंपॉर्टेंट पिक है, और यहाँ पे आप टॉप ऑर्डर में दोस्तों आर्यमान सिंह को ट्राई कर लेना, आदित्य दोस्तों काफी जो ऑप्शन रहने वाले। तो दोस्तों ग्रैंड लीग में इनके जो कुछ बेस्ट प्लेयर है इनको ही ट्राई करना और रोटेट करते रहना कैप्टन वाइस कैप्टन से, जिससे आपका काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ग्रैंड लीग का भी। बाकी दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ड्रीम इलेवन टीम का, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक टीम पहले से आप सभी के लिए क्रिएट करके रखा है, जिसके मैं कोई सिंपली प्रीव्यू जो है दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में फिलहाल पंकज कुमार को ले रखा है, लेकिन गाइस मैं अगर पहले टीम यहाँ पे सिम्बा की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं जो है सुमित कुमार के साथ ही जाऊँगा। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसी का जो है विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों बैट्समैन प्लेयर लेना, उसका आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने अंकित कुमार को ले रखा है, उसका दोस्तों आर्यमान सेन को ले रखा है, उसका मैंने विल्फ्रेड को ले रखा है, और दोस्तों मैंने कुमार करण को लिया हुआ है। वही ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है एस चक्रवर्ती को लिया हुआ है, उसके आदित्य सिंह को ले रखा है, बालकृष्ण को लिया, बॉलिंग डिपार्ट से दोस्तों प्रेम सिंह को, और गाइस यहाँ पे मैंने रौनक कुमार को लिया, और यहाँ पे दोस्तों आर्यमान लाला को लिया हुआ है। तो गाइस ये हमारी फिलहाल इनिशियल टीम रहने वाली है, और दोस्तों अगर कुछ चेंजेस होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो फाइनल टीम मिल जाएगा, तो वहाँ पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था फटाफट से ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस लास्ट में कॉमेंट करके बताओ कि आपको हमारी टीम कैसे लगी, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, साथ ही ग्रैंड लीग की टिप्स को जरूर फॉलो करना अगर आप चाहते हो ग्रैंड लीग के अंदर काफी अच्छी अर्निंग करना। तो सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।